स्वागत है फिर से भी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट एफ जे सॉल्व गुरु। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिहार विधान परिषद का जो ऑफिस रेडन का पोस्ट आया था, जिसमें तीन पोस्ट थे, एक था आपका दरबान, दूसरा आपका नाइट गार्ड और तीसरा था सफाई कर्मी, जिसको नाइट गार्ड को हम लोग बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड के रूप से ना जानते हैं। तो उसका ऑफिशियल नोटिस आया है, क्या कुछ रहने वाला है, कब ये कैंसिल हुआ और क्या कुछ कारण है कैंसिल होने का, अगला एग्जाम कब होगा, इस तमाम मुद्दों बात करेंगे। लेकिन मुद्दों बात करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं उनको बताया जाता हूँ, इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। साथ ही साथ केवल नोटिफिकेशन नहीं, उस एग्जाम का आपका एग्जाम का भी एनालिसिस किया जाता है और उसके एग्जाम का रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर ले। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार के केवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से फ्री एडवाइस रहेगी कि वो बिहार के साथ साथ भारत के जितने भी नए फॉर्म आते हैं, जो इंटर लेवल पर होते हैं या फिर मैट्रिक लेवल पर होते हैं, उसको भी भरे। क्योंकि याद रखिएगा, समय और समझ बहुत खुशनसीब लोगों को मिलती है, क्योंकि अक्सर समय गुजरने के बाद समझ आता है और जब समझ आता है तो समय निकल जाता है। इसलिए बिहार के साथ साथ जितने भी मैं फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, उन फॉर्म पर भी आप लोग उतना ही रिस्पॉन्स दिया कीजिए जितना कि बिहार के एग्जामों पर देते हैं। क्योंकि बिहार के एग्जाम के साथ साथ अगर आप अन्य राज्यों पर भी देंगे तो आपकी सफलता की जो औसत होती है, जो परसेंटेज होती है, प्रतिशत होती है, वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार विधान सभा और परिषद के एएसओ का हमने मॉक टेस्ट शुरू किया है। इसलिए वैसे बच्चे जो इस फॉर्म को भरे हैं एएसओ का, वो हमारे मॉक टेस्ट का हिस्सा बने। साथ ही साथ उस मॉक टेस्ट में मैंने मेंस लेवल का तमाम क्वेश्चन को रखे हैं जो कि पिछले साल पूछा हुआ था। इसलिए आप उस मॉक टेस्ट को लगाएं और साथ ही साथ उस मॉक टेस्ट को पूरे अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि सबको ये बात मालूम चल सके कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई ऐसा फैकल्टी है जो बेस्ट कंटेंट देने के लिए आपके लिए बाध्य है या फिर आपके लिए कार्य करने के लिए कह सकते हैं उत्सुक है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बेस्ट कंटेंट मिल सकती है। अभी तक आप लोग से केवल पैसे लिए जाते थे कंटेंट के लिए और उसके बावजूद भी उस कंटेंट का लेवल नहीं होता था, लेकिन इस बार जो हुआ है मेरे द्वारा प्रयास, जिसमें बेस्ट कंटेंट आप लोगों ने देखा ही था, बहुत सारे बच्चों को सराहा भी था कि सर कंटेंट बहुत एवन है, तो उस कंटेंट के कारण आप कह सकते हैं कि आप लोगों की सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बिहार विधान परिषद में ये जो ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म था, जो कि बेसिकली 6 तारीख तक इस फॉर्म को भरा जाना था। उस फॉर्म को 6 तारीख तक भरने के जो लास्ट डेट था उसका डेट बढ़ा दिया गया, 21 तारीख का इसका एग्ज़ाम का डेट था। अब चूंकि इससे पहले एएसओ का एग्ज़ाम डेट था 14 तारीख को और ये था 21 तारीख को, तो दोनों कैंसिल कर दिया गया है। एएसओ का तो सबसे पहले अपडेट नहीं दिया था। सिक्योरिटी गार्ड यानी ऑफिस रेंट में 3 पोस्ट आए थे, एक आया था आपका नाइट गार्ड, दूसरा आपका आया था दरबान और तीसरा आया था सफाई कर्मी। तो नाइट गार्ड एक अलग होता है सिक्योरिटी गार्ड जिसको तो आप लोग बोलते हो, उसके बाद सफाई कर्मी, तो ये 3 पद थे। तीनों पद को लेकर के विज्ञापन की, हालांकि अब ये मैं आपको इंटरनल न्यूज़ बता रहा हूँ, अभी भी कोई आपको जो ब्लॉगर होंगे वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको इतना डिटेल नॉलेज होगा नहीं। तो ऑफिस का इंटरनल जो बात है मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि खुल के बता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे पहले इन चीज़ों का संज्ञान आता है। और जो अभी के के सिंह हैं, वो कमलेंद्र कुमार जो अभी डायरेक्टर हैं बिहार विधान परिषद के, तो बेसिकली उन्होंने मौखिक रूप से बोल दिया कि अभी जो है वो चुनाव में ये एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा भी गया था कि सर कब तक इसका डेट रखा जाएगा, तो इस सिलसिले में ये बात उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं कहा है कि क्या वो एग्ज़ाम के पहले करवाते हैं या क्या वो आचार संहिता के बाद करवाते हैं या उसके पहले ही करवा लेंगे। अब ये भी बात एक रहस्यमय है, चूँकि जाहिर सी बात है सीनियर साहब ज़्यादा इफ और बट नहीं कर सकते हैं कि सर क्यों है क्या है, उनका इतना कहना ही कि ठीक है अभी नहीं करवा सकते हैं ये काफ़ी है, बस यस सर बोलकर निकलना ही अच्छी बात मानी जाती है। तो अभी तक ये मांग के चलते हैं कि ये एग्ज़ाम अब नहीं होगी 21 तारीख को। जैसे इसकी नई अपडेट आएगी वो सबसे पहले मैं दूंगा, हालांकि ये भी अपडेट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल एक अलग बात होती है और एक डिपार्टमेंट की पार्ट एक अलग पार्ट होती है। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले अपडेट मिल गया कि बिहार विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जिसमें 3 पद थे। कौन कौन से? तो एक था आपका नाइट गार्ड, दूसरा था दरबान और तीसरा था सफाई कर्मी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को उन लोगों जोर शोर तक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा था और काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे, ताकि उनको सबसे पहले अपडेट मिल जाए कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। लेकिन नई परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी, लेकिन जो भी घोषित की जाएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर घोषित की जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को जोर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद 1 लाइक जरूर मारिएगा, इसलिए मारिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल वीडियो देख लेते हैं और देखने के बाद 1 लाइक नहीं मारते हैं, ये गलत चीज़ है। जब आपको सही चीज़ मिलती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि सही चीज़ में आप भागीदारी बने अपने 1 लाइक को जोड़कर। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, दबा टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।